बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ जनरल नॉलेज की क्लास, और आज की क्लास है संगम युग। ठीक है, अभी ब्राह्मण साम्राज्य के बाद हमने देखे है संगम युग। संगम युग के बारे में हम काफी कुछ पढ़ेंगे। ये हमारी ऑफलाइन क्लास है, बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीपीएस, आईबीपीएस, आरआरबी, आरआरबी, एलआईसी, फ्री स्टडी मटेरियल ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी सिलेक्शन, फ्री मॉक इंटरव्यू 10 डेज एंड 2 आवर क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस। डेमो क्लासेस फॉर 3 डेज। जगह है थर्ड फ्लोर, राजकुमार कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। मोबाइल नंबर 8080515897 9595628966। संगम साहित्य। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। यानी हमें जब हम भारत को जब हम बांटते हैं तो इस दो भागों में, तो हमें इसे जो ये वाला ये भाग है इसे हम दक्षिण भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये ऐसा इतिहास क्रमबद्ध इतिहास साहित्य से ज्ञात होता है कि होता है कि संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिसमें तमिल कवि विद्यमान एकत्रित होते थे, और प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसी की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद भी किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य कहता संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक है, यानी कि ईसा के जन्म से 300 साल पहले और ईसा के जन्म के 300 साल बाद, यानी टोटल 600 हो गया। ठीक है, तमिल द्वारा विदित सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। नेक्स्ट, उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है, पत्शु पातु इथु थोके और पदिनेन किल कनुक्कु। मेरे को बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है लेकिन आप समझ जाइए। त्रिपुरी कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार साहित्य, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन और प्रणय से संबंधित है। नेक्स्ट, स्थान अध्यक्ष और संकलित। प्रथम संगम 440 वर्ष में हुआ था। यह मदुरा समुद्र में विलीन है। अध्यक्ष थे अगस्त्य। आकट में परिलम, मधुरेर, मधुकर, तत्, कलवर, आवेर, कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, दूसरा संगम हुआ था 3700 वर्ष में। ठीक है, ये कपाटपुरम अलेवाई समुद्र में विलीन है। अगस्त्य। तोलकप्पियम तमिल व्याकरण रचनाकार तोलपियर। तीसरा संगम वंश है 1850 मदुराई में। नक्कीकर, ये नैदु थोके, कुरुनो थोके, ना त्रिनाई, एनकुरी, बुरु, परिदीपादल, कुथुवरी, पेरी, पेरिसी, सित्रसे आदि कवियों में विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का एक प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शेवसंत नायनार और तिरुबुक्षरातु अपार ने किया था। इग्लो के कृत्य शिल्पकारम पायलो की गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय कव्य के रूप में मानी जाती है। ठीक है, इसमें राष्ट्र के बारे में बताया गया है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबंध है किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। ठीक है, इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कनिगी और नर्तकी माधवी के प्रेम की कहानी। वाह, शिल्पदिकरम। ठीक है, मदुरा के बौद्ध धर्म बाली व्यापारी में शीतल सागर ने मनी मेकेल की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रसन्नता भी है, इसमें जैन प्रभाव भी है। इसमें राजकुमार उदय कुमार और मनी केमल कोलन नर्तकी माधवी पुत्री इसकी प्रेम की कहानी। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक शास्त्र संबंधित बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्वपूर्ण मुख्य धार्मिक नीलकंठ शास्त्रों के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिडनाथ ने 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय प्रवेश किसकी है? लेखक उसके धर्म का दिडनाथ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, जीवक चिंतमणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुचकर देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुचकर देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोलपिया तमिल व्याकरण 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई है। इसमें त्रिवलुवर और तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है। राम कथा के क्या है? अनेक तमिल संस्करण है जिसमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन का इमार
इरामावर्त है। संगम साहित्य के काव्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के तीन राज्य चोल, चोला, चेर और पांड्या का वितरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल है, दक्षिण पश्चिम में चेर है और दक्षिण पूर्व में पांड्या राज्य है। संगम युगीन राज्य में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राजा था। यह पिनार और दक्षिण में विलेरू नदियों के बीच में स्थित है। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल जो था यह ब्राह्मण मतवैनु था और इसने ब्राह्मण धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पतन का निर्माण भी इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। देखो ऐसा नहीं है कि मुगल ही कराए थे, लेकिन दक्षिण भारत में भी आए हैं, इन्होंने ये कराया है। ठीक है, पेरुनथ में करिकल का संगीत के सप्त स्वरों का विशेष बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य था चेरो, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि चेरो राज्य अभी कहाँ पर राज किया था, केरल। इस राज्य के कुछ प्रमुख राज हुए हुए उदय जिराल, नेदु जिराल और सेन गुटवन। सेन गुटवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी आदि कौन सी उपाधि धारण की थी, अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्या था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी मदुराया था। पांड्या राजाओं में नेडु जेलियन लगभग 210 ईस्वी में था, इसमें सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को आमाईचान और आमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालय कहा जाता था। वह यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी और भूमि कर नगद और अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभव यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों में सीमा शुल्क चुंगी वसूल भी किया जाता था। सेना चतुर्गिनी होती थी। इसमें अश्व गज रथ, अश्व यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, रथ, पैदल सिपाही भी सम्मिलित थे। नगाड़ और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। क्या बात, युद्ध में भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाकर की जाने वाली की प्रथा भी थी। देखो पहले से थी हमारे तरफ। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं की तैनात करता था। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी महिलाओं को रखते थे। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। देखना पड़ेगा किस प्रकार की घड़ी, जल घड़ी थी ये भाई। ठीक है, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। समय को प्रतिष्ठान वर्ग था, इसी की हत्या का सबसे अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। क्या बात कर रहे, संगमकालीन ब्राह्मण मांस और भक्षण करते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन में समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। इसकी मध्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। संगम काली कुछ महत्वपूर्ण वर्ग है, पुलियान, अनियार और मल्लावर। दस्तकारों का एक वर्ग है जो रस्सी, परशुराम सहायता और चारपाई जिस चटाई बनाने वाले को पुलियन कहते थे। अनियार शिकारियों की एक जाति थी, मल्लावर लूटपाट करने वाली जाति। संगम साहित्य में दास प्रथा अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकुप्पे नामक एक तमिल रचना के ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह का संस्करण के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार है, ब्रह्म, देव, आश्र, प्रजापत, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशेच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई, जिसमें पंचतेनी कहा जा गया है। एक पक्षीय प्रणय को केकेन व अनुचित प्रणय को पेरिनुंद कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इससे दूध मिलाकर संभार नामक और खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तकी नर्तियों गायकों दल धूम धूक करके लोगों का मनोरंजन किया करते थे। अच्छा, डीजे वजे बजा के। साहित्य में इन्हें पनार और विडलियार कहा जाता था। तमिल साहित्य में मलचेरी और अवियर जैसी कवियों की भी चर्चा हुई, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोग कौवे का शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। अच्छा, संगम काल से है क्या ये, मेरे को मालूम नहीं था, पढ़ने में पता चलता है। कौवों में नाविकों को सही दिशा की बोध भी कराते थे। इसी कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे।
क्या बात है। संगम साहित्य में पता चलता है कि समाज के निम्न वर्गों में महिलाओं की मुख्य खेती का कार्य किया करती थी, इसे इन कोडेसियर भी कहा जाता। संगम काल में चोलो समृद्धि मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्या राज्यों में कोकई शलियार छह राज्यों में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे, कोकई मोती खोजने के प्रमुख पतन था। कोरामंडल समुद्र तट पर पांडुचेरी में तीन किसी दक्षिण में स्थित अरिकोमंडल चोलो वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह में रोम के साथ व्यापार होता था। बाप रे, 1945 में हुआ यह है कि खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का भी पता चला। यह मानकों के निर्माण का कारखाना भी था और पेरिप्लस में अरिमुलुटर का पेड़ों का कहा जाता था। संगम काल में मिस्र के नाविक हिप्लोसनेस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। क्या बात। तमिल देशों की प्राचीन देवता मुगुरुन था और कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कर्पतियों के साथ उनका तमिल स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कर्पतियों को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है और स्कंद का एक नाम कुमार भी है। तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यह अर्थ होता है, मुर्गन का प्रतीक होता है मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता है कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वज्र था और कुरवास नामक एक पर्वतीय जनजाति को स्त्री मुर्गन पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संबंध कवियों में को ज्ञात होता है। संगम साहित्य में पवित्र जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है जिसे अनूप कहा जा गया है। क्या बात। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए।